सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में अपने गार्डन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ज़रूरी काम जो मैंने अपने गार्डन में किए, जिससे कि मेरे पौधों में जान आ गई और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना स्टार्ट हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि अपने जितने भी गार्डनिंग टूल्स हैं, इसकी रिक्वेस्ट की थी मेरे किसी व्यूअर फ्रेंड ने, तो मैं उसको भी आज शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरे काफ़ी सारे गार्डनिंग टूल हैं, लेकिन कुछ गार्डनिंग टूल मिल नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैं जो भी अवेलेबल थे वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरे पौधे मुरझाए हुए थे या जिनको रिपॉट करना था या जिसमें सीड्स बन गए थे, पौधे निकल गए थे, जैसे कि ये देखिए सदाबहार के पौधों के बराबर में मेरा ये मोगरे का पौधा था, तो इसके अंदर सदाबहार के बीज खुद ही झड़ जाते हैं और ये देखिए अपने आप इसके अंदर ढेर सारे पौधे बन गए। तो इस तरीके से हम फ्री में पौधे भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज झड़ जाते हैं उसके, और मिट्टी अगर आसपास रहे तो उसमें से पौधे निकल जाते हैं। तो मोगरा में मुझे सबसे पहले काम करना था, क्योंकि मेरा मोगरा का प्लांट जो है वो बिल्कुल सूख गया है, स्टेम हरी है और प्लांट सूख गया है। तो इसके लिए मैं इसमें नई जान डालने के लिए कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसके जितनी भी ऊपर की पत्तियाँ वगैरह थी सूखी हुई या जिसपे जो कीड़ा वगैरह लग जाता है वो सब कट करके निकाल दी, सिर्फ स्टेम ही बची है। और उसके बाद में मैंने इसकी निकाली आधी मिट्टी, मतलब गमले में से जितना पूरा गमला मिट्टी से भरा हुआ था वो मिट्टी निकाल दी मैंने और मिट्टी की गुड़ाई कर दी। उससे एक दिन पहले मैंने इसमें पानी नहीं दिया था, तो इससे क्या था मिट्टी सूख गई थी। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है जब भी कब आप पौधों में नया फर्टिलाइज़र दें। मिट्टी आधी करी और आधा डाल दिया मैंने इसमें कंपोस्ट घर का बना हुआ। तो घर का बना हुआ कंपोस्ट मैंने इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मिट्टी कम करके पौधों के गमलों में सभी में डाल दी। और कंपोस्ट के डालने के बाद में मैंने अपने कुछ पौधों में, देखिए ये कड़ी पत्ता का पौधा था, इसमें नई मतलब जो ग्रोथ थी वो स्टार्ट हो गई थी दो तीन जगह से। एक तो ये देखिए नीचे से स्टार्ट हो गई थी, एक और नीचे के साइड से स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। तो वो जब मैं गुड़ाई कर रही थी तो ये कट गई, मतलब कि टूट गई। वो कोई बात नहीं, वो दोबारा से हो जाएगी। तो अगर आपके पौधों में भी जैसे पतली सी डंडी सी रह गई है और ऊपर ऊपर की साइड में ग्रोथ हो रही है, नीचे की साइड में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप स्टेम कट कर देंगे तो उसके बराबर से ही नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अभी मार्च में बहुत अच्छा मौसम होता है तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गुड़हल की भी कुछ प्रूनिंग की थी, कुछ अपने कड़ी पत्ते की भी की थी, वो तो 8-10 दिन पहले की थी, आपके साथ में शेयर भी किया था। और सदाबहार के पौधे को तो मैंने पूरा ही कट कर दिया था। तो 15 दिन में इसके अंदर, अभी 10 ही दिन हुए मेरे ख्याल से, वो भी मुश्किल से, तो 10 दिन के अंदर मेरे कड़ी पत्ते के पौधे में भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। इसके अलावा मेरा जो सदाबहार था उसमें नई पत्तियाँ आ गई हैं काफ़ी अच्छी। और जो मेरा हिबिस्कस का है इसमें भी मैंने पहले भी कुछ हल्की सी प्रूनिंग की थी, आज फिर मैंने हल्की सी प्रूनिंग कर दी। इससे क्या होता है जब हमने फर्टिलाइज़र दिया है पौधे में, गुड़ाई करी है और उसके बाद में हमने इसको प्रून कर दिया है, और पानी अगर हम ठीक से दे रहे हैं, इसके अलावा अगर हम धूप भी पौधे को अच्छे से दे रहे हैं, तो हमारा पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसके सबके करने के बाद में मैंने अगला काम जो किया वो ये कि अब जैसे कि गेंदे के फूलों पर काफ़ी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि फंगस लग गई है, तो मेरा भी ये गेंदे का फूलों वाला पौधा था, इसमें क्या था कि फंजीसाइड मैंने स्प्रे नहीं किया था या फंजीसाइड यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से इसमें जल्दी फंगस लग गई। और इसमें अगर मैं ठीक कर भी देती तो बहुत जल्दी इसका मौसम जाने वाला है गेंदे का, तो इस वजह से फिर मैंने इस पौधे को ही निकाल दिया और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। गमला खाली करना था, क्योंकि जितने भी गार्डनिंग लवर हैं उनके पास जितने मर्जी गमले हों पर हमेशा गमले कर कम ही पड़ जाते हैं। तो मैं क्या कर रही थी, इसको जो मैं पॉनसेटिया का प्लांट लेकर के आई थी तो इसको मुझे रिपॉट करना था, यानी कि शिफ्ट करना था बड़े गमले में, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। करने के लिए मैंने मिट्टी बनाई जिसमें मैंने डाला था घर का बना कंपोस्ट, अपनी गार्डन सॉइल, साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी रेत भी लाई थी और कोकोपीट मिला करके मैंने इसके अंदर यहाँ पर इस पौधे को रिपॉट कर दिया है। और ये शेड लविंग प्लांट है तो शेड में रखेंगे तो अच्छे से चलता रहेगा। अब पौधों को जो जो भी पौधे मुझे रिपॉट करने थे, जो छोटे छोटे से हमने कड़ी पत्ते में से निकाले थे पौधे, तो वो भी मैंने लगा दिए अपने इस छोटे से गमले में। जब ये अच्छे से ग्रो करेंगे तो
इसमें से फूल निकलेंगे, जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इस तरीके से अगर छोटे छोटे से पौधे ही लगाते हैं तो इनकी सी जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से होती है और बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अब ये मेरे पास 5-6 थे तो मैंने सारे ही लगा दिए, अब जो ग्रो होने होंगे वो हो जाएंगे। अब बारी आई थोड़ी सी कोकोपीट को मिक्स करने की। तो ये कोकोपीट है, और आप में से कोई फ्रेंड पूछ रहे थे कि मैं कोकोपीट कहाँ से लेती हूँ, तो ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मुझे पसंद है। तो मैं हमेशा मीशो से ही कोकोपीट लेती हूँ, क्योंकि मीशो से सबसे सस्ती कोकोपीट मिल जाती है। हालांकि मैंने काफ़ी जगह से कोकोपीट खरीदी है ब्रिक, लेकिन मुझे सब जगह महंगी ही पड़ती है, लेकिन ये जो थी ये काफ़ी सस्ती पड़ी थी मुझे, 132 या 34 रुपए की शायद मिली थी। तो मैं इसका जो ऐप का डाउनलोडिंग लिंक और इसका कोकोपीट का जो प्रोडक्ट कोड है ना, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर बोल रही हूँ कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं लेती हूँ इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए कोकोपीट को निकाल दिया मैंने, और जब मैंने परसों इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह दिया था, कंपोस्ट वगैरह दिया था, उसके बाद में एक ही दिन का गैप हुआ, अगले दिन इसके अंदर फूल खिल गया मेरे सदाबहार के पौधे में, और फूल का कलर भी काफ़ी गहरा था। और एक अच्छी बात ये थी कि छोटे से गमले के अंदर ही काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होने लग गई और काफ़ी सारी इसकी बड्स भी बन गई हैं। अच्छा, अगर अब मैं आपको दिखाऊँ हिबिस्कस का क्या पोजीशन है, या मतलब क्या कंडीशन है, तो मैंने प्रूनिंग की थी हिबिस्कस की भी, और इसमें भी फर्टिलाइज़र दिया था मिट्टी कम करने के बाद में, और आप ये देखिए दूसरे दिन ही इसके अंदर मुझे कली बनी हुई दिखी। मतलब एक ही दिन गैप गया है और दूसरा दिन है, तो इसमें 2-3 कलियां मुझे देखने के लिए मिली जो बननी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा नई ग्रोथ निकलनी भी शुरू हो गई है, तो अच्छा लगता है इस तरीके से करने पर अगर आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है तो। अगर इसके अंदर हम और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं कि हमारी कलियां भी जल्दी जल्दी और बने, तो इस टाइम पर अब जैसे 2-3 दिन हो गए हैं, तो इसके अंदर 1 चम्मच कॉफ़ी को 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसके अंदर दे दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र इसको रेगुलर बेस पर देते रहें तो इसमें जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये है मेरे छोटे छोटे गेंदे के, जिसमें से मैंने आज फूल तोड़े थे कुछ, और ये है वो कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता में तो आपको अभी अपडेट दिखाया था, परसों ही कुछ ग्रोथ हो गई थी। अब बारी आई मोगरे के प्लांट की, तो इसमें मैंने कंपोस्ट तो दे दिया था, लेकिन इसको जल्दी ग्रोथ करने के लिए इसमें ज़रूरी है थोड़े से फर्टिलाइज़र की, जैसे कि गोबर खाद और सरसों की खली, तो इन दोनों का मिक्सचर हमें देना पड़ेगा, तब अच्छे से होगा। लेकिन मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने इसको अभी एज इट इज़ छोड़ दिया है, जब मिलेगा तब मैं डाल। अब बारी थी मेरे कुछ गार्डनिंग टूल्स की, तो ये है मेरे कुछ गार्डनिंग टूल्स जिसको मैंने मंगाया था बहुत पहले अमेज़न से, जिसमें ये 2 खुरपी दी हुई हैं, जिससे कि हम मिट्टी उठा सकते हैं। एक बड़ी वाली जो खुरपी है उससे मिट्टी उठा सकते हैं, और ये छोटी वाली जो थी तो उससे क्या होता है कि आपको गुड़ाई करनी है बड़े गमलों में, तो ये इन दोनों खुरपी इस काम में आती है। अच्छा, एक ये है खुरपी, इससे भी बहुत अच्छा मतलब आप यूज़ में ले सकते हैं, जैसे छोटे गमलों में, या फिर कई बारी हम बॉटल्स में हम पौधे लगा देते हैं, कप में लगा देते हैं, छोटे छोटे से जार्स में लगा देते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे से गुड़ाई करती है। मैं तो इसको इसी यूज़ में लेती हूँ। तो ये देखिए जैसे छोटा सा पॉट है, अब इसमें बड़ी वाली खुरपी अगर मैं यूज़ करूँगी तो क्या होता है कि कई बारी स्टेम वगैरह टूटने का डर रहता है पौधों की। अब जैसे ये छोटा सा गमला है तो इसमें गुड़ाई करने में दिक्कत होगी अगर बड़ी खुरपी से करूँगी, तो ये वाली छोटी वाली खुरपी जो है ना, पतली वाली, ये टूल जो है ये बहुत अच्छे से काम में आता है। अच्छा, अब बारी आई इन 2 टूल्स की, तो ये टूल जो हैं ये जब हम ज़मीन में अभी कोई भी पौधा लगाते हैं, पौधा मतलब कि सब्जियों वगैरह की बेल लगाते हैं, तो बहुत सारे बीज लगाते हैं, जैसे पालक वगैरह है, मेथी वगैरह, सरसों, धनिया वगैरह है, तो इसको इसमें ना इस तरीके से पार्टीशन इक्वल होता है, और जैसे हम ज़मीन के ऊपर इसको खोदेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी सीडलिंग हो जाती है, तो ये मेन उसी में है। इसके अलावा एक कैंची है और एक कटर है। ये कटर तो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए इसको रखे रखे इसके अंदर जंक लग गई है, तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ये अलग से ख़रीदा था मैंने अमेज़ॉन से, और ये काफ़ी पुराना है, पहले मैंने इसको यूज़ किया था बट मुझे उतना यूटिलाइज़ इसका लगा नहीं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ सीज़र की हेल्प से ही कट कर देती हूँ। तो ये थे मेरे कुछ गार्डनिंग टूल्स जो आप में से कुछ फ्रेंड पूछ रहे थे तो मैंने दिखा दिए, और इसके साथ में ग्लव्स भी थे तो वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो स्टोर में रखे हुए थे।
अब बारी आई इस फर्टिलाइज़र की, तो ये नर्सरी से लेकर के आई थी मैं, काफ़ी महीने हो गए ये पड़े हुए। और ये सी प्रो प्लस करके एक फर्टिलाइज़र है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधों में दिए जाते हैं। मैंने पहली बार ख़रीदा है ये फर्टिलाइज़र, मैंने कभी आज तक इस तरह का कोई पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र नहीं ख़रीदा है। तो अभी आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इसको ख़रीदने के लिए, जब पहले मैं इसको यूज़ करके देखूँगी अपने पौधों में और इसका देखूँगी रिज़ल्ट, तो अगर अच्छा रहेगा तभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इसको क्या किया, मैंने एक पैकेट लेकर के आई थी, तो इसको मैंने आधा अपना एक बाल्टी पानी में घोला और उसके बाद में मैंने अपने सभी फूलों वाले पौधों में दे दिया। हालांकि इसके ऊपर लिखा था फूलों वाले, सब्जियों वाले और फलों वाले पौधों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि थोड़ा वेट कीजिए, इसका रिज़ल्ट अगर अच्छा मिलेगा तभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।